यहाँ पर आया है मेरे पास कुछ कोरियर जो कि आया है मौज ऐप से। मौज जहाँ पर हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, वैसे ही मौज पे ही वीडियो बनाते हैं। तो मैं वहाँ पर लाइव जाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो वहीं पे मेरे एजेंट के थ्रू, एजेंसी से ये टी शर्ट है। इसके अंदर मैं अभी ओपन करके दिखाऊँगी, मुझे इसकी एक वीडियो बना के एक स्पीच है वो बनानी है और इंस्टाग्राम पर डालनी है। तो चलिए ओपन करते हैं पहले। क्या भाभी, आप दिन भर वीडियो बनाते रहते हो, आपको इससे कुछ फायदा भी मिलता है? मेरी अर्निंग होती है ऐसे, और साथ ही साथ में अपना टैलेंट भी दिखाती हूँ ऑडियंस के सामने। वो कैसे? बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप भी हैं क्रिएटर और करना चाहते हैं खूब सारी अर्निंग, और करना चाहते हैं अपनी बातों के थ्रू ऑडियंस को एंटरटेन, तो आप भी अपना टैलेंट दिखा के खूब सारी अर्निंग कर सकते हो। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, MNG स्टूडियो प्रोफाइल पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करनी है खूब सारी अर्निंग। तो जाइए फटाफट से अर्निंग कीजिए और अपना टैलेंट भी दिखाइए। अरे वाह, मैं तो अभी करती हूँ। हाँ हाँ करो, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जाइए दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके खूब सारी अर्निंग कीजिए। हम अभी जा रहे हैं सूरज नगर, मेट्रो लेंगे सीधा सूरज नगर की, फिर वहाँ से बीच में चेंज करना मुझे बड़ा बेकार लगता है मेट्रो से जाना, पर फिर भी मेट्रो का रूट अच्छा है जल्दी पहुँचाने के लिए। पिंक लाइन लेनी है और काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, फिर लॉक कर चलते हैं, दिखाएंगे क्या क्या है वहाँ पर। अब फिलहाल अब क्या चल रहा है, मेट्रो में बैठ गए हैं, यहाँ से द्वारका से चेंज करेंगे और रजौरीगढ़ से हम पिंक लाइन लेंगे, पहुंच जाएगी। आप देख सकते हो फेस का जो भी किया था सब उतर गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर, लेकिन गलती एक हो गई कि हमें उतरना था गेट नंबर 2 पे, और हम पीछे मतलब पता नहीं कौन से गेट नंबर पे उतरे। गेट नंबर 2 से अगर आप एग्जिट करते हो तो आप सीधा फिर सरोजनी नगर के सामने ही उतरोगे, बट हम थोड़ा सा पीछे उतर गए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही थी इस वजह से, और 2 साल हो जाते हैं मुझे आए हुए। तो अभी एंटर करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के स्टॉल दिखेंगे जो कि नीचे बिछाए रहते हैं, और लोग यहाँ पर और भी सस्ता बेचते हैं। तो ये है गेट नंबर 2, यहाँ से आपको एग्जिट होना था, उसके बाद आप सामने आप देख सकते हो सरोजनी नगर का गेट बना हुआ है, और एंट्री करते ही आपको पूरा सेल का दिख जाएगा, वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है बाहर से, लेकिन आप बाहर से नहीं लेना, पहले तो पूरा अच्छे से जो सरोजनी नगर है पूरा एक्सप्लोर करना, उसके बाद ही आप लेना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में ना लूँ, मैं लास्ट में जो भी चीज़ बचती है वो बाद में लूँ, पहले मैं अंदर पूरा अच्छे से चेक कर लेती हूँ उसके बाद ही लेती हूँ। एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह की भीड़ दिखाई देगी, खाना जो भी है आप यहीं पे खा लें क्योंकि आपको अंदर नहीं मिलेगा फिर कुछ खाने को, और टाइम भी नहीं मिलेगा, इस तरह से बिजी हो जाओगे आप सेल में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको जगह जगह स्टॉल दिखेंगे, शॉप दिखेंगी, और यहाँ पर कुछ फ्रेंचाइजी स्टोर या ब्रांड दिखेंगे, अगर आपको कुछ ब्रांड से लेना है तो आप ले सकते हो, मेरी तरफ से तो ना ही लो क्योंकि अगर आप सरोजनी नगर आए हो तो आप सस्ते में ही जाओ, ठीक है? इतनी दूर अगर आना है तो फिर सस्ते में ही जाना चाहिए और पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना है आपको। एंटर होते ही यहाँ पर फिर इस तरह से आपको ये कुर्ती का शॉप दिखती है, रेट सामने लगे हुए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 250 रुपये के टॉप हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कुर्ते हैं, रेट सामने लगे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेना और रेट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर 250 के 100 के कुर्ते इस तरह से मिल रहे थे। ये कुछ डेनिम है, मुझे मैंने भी बहुत डेनिम मतलब दो डेनिम मैंने ली थी और बहुत अच्छी निकली है वो मेरी डेनिम। और यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ टॉप भी मिलते हैं डेनिम में, अगर आपको डेनिम चाहिए, स्लिम फिट चाहिए, रेगुलर फिट चाहिए, बेल बॉटम चाहिए, जिस टाइप की भी आपको डेनिम चाहिए आपको इस वाली शॉप पर अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं उनका नंबर दूँ, दुकान का जो नंबर होता है, तो आप मुझे बताना, कमेंट्स करना, मैं दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये डेनिम देख सकते हो 250 रुपये से, मतलब 100 रुपये से स्टार्ट होती है डेनिम, और 100, 150, 200, 250 इस तरह से रेट आपके बढ़ते रहेंगे। ये है टॉप जो कि 100 रुपये के सामने रेट लगा हुआ है। यहाँ पर है कंप्लीट सूट, प्लाजो सेट, सूट के जो भी कंप्लीट हैं और मतलब स्टॉल वगैरह जो आपको चाहिए होते हैं, रेट सामने लगे हुए हैं, आप देख सकते हो 100 रुपये, 280 रुपये, 150 रुपये। अगर आप बार्गेनिंग करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बार्गेनिंग कराओगे तो और भी कम हो जाएगा, और बार्गेनिंग तो यहाँ पर चलती ही चलती है, वो आपको करानी ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको डेनिम वाली शॉर्ट्स मिलते हैं, डेनिम वाली स्कर्ट्स भी मिलती हैं, डेनिम शर्ट मिलती हैं, डेनिम मिलती हैं, और डेनिम के जो इस टाइप के जो टॉप होते हैं, आई थिंक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते करते। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के आपको क्रॉप टी शर्ट्स मिलती हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ये है 150 रुपये से स्टार्टिंग, अंदर भी 150 रुपये से ही है, सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, सामने रेट लगे हैं, देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम हैंड बैग की तरफ। अगर आपको किसी भी टाइप के आपको क्लच बैग चाहिए, हैंड बैग चाहिए, जिस भी टाइप के आपको बैग चाहिए जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, सब 250 रुपये के रेट आप देख सकते हो सामने लगे हैं। सारे बैग 250 रुपये में है, यानी कि 250 रुपये ईच। तो यहाँ से आप कोई भी बैग पसंद कर सकते हो, सारे बैग की रेट 250 रुपये ही है। उसके बाद हमें लग गई थी प्यास, तो हमने पी ली थी मैंगो शेक। मैंगो शेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं बता दूँ, खाने पीने के लिए जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप सिर्फ शॉपिंग करने के लिए जाइए, खाना अपना घर से ही लेके आइए या खा के आइए अच्छे से भर पेट करके, ठीक है, क्योंकि खाने के लिए नहीं मिलता। लेकिन हमें बहुत प्यास लगी थी, पानी हमारा ख़त्म हो गया था, मेरा मन था मैं मैंगो शेक पी लूँ, तो इसलिए मैंने मैंगो शेक पी लिया, और मेरा मैंगो शेक फेवरेट भी है। तो यहाँ पर हम पी रहे थे, कुछ मेरा कपड़ों में गिर गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एयरिंग्स की तरफ। ये सारे एयरिंग्स 30 रुपीज़ ईच है, आपको कोई भी एयरिंग्स लेने हैं 30 रुपये से ले सकते हो, और कम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से 30 रुपये से, और ज़्यादा कम क्या हो सकता है। खूब हैवी हैवी एयरिंग्स थी यहाँ पर, मिरर वाली एयरिंग्स, झुमके टाइप के, जैसे भी आपको चाहिए होते हैं, उन सब के रेट 30 रुपये थे, 30 रुपीज़। यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सेट मिलता है सूट का, किसी किसी के साथ दुपट्टे थे और किसी किसी के साथ नहीं थे। ये तो प्लाजो सेट और जो कि 250 रुपये के थे। अगर आपको रेगुलर घर में पहनने हैं कॉटन का कुछ आपको सूट पहनना है डेली बेस के लिए, तो आप ये ले सकते हो, और बार्गेनिंग अगर आप कराना चाहो तो आराम से करा सकते हो, हर लोग करा भी रहते। ये है कुछ कॉस्मेटिक का सामान जो कि कॉपी है, ओरिजिनल तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये इस हिसाब से ये लिपस्टिक दे रहे थे, और जिनका ब्रांड था, सारे ब्रांड थे, मैबलिन, लैक्मे, सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 रुपये की शर्ट थी डेनिम वाली, जो कि मैंने एक शर्ट ली, और मेरी शर्ट वो वाकई में बहुत अच्छी शर्ट मिली है, मतलब मेरे को अगर मैं ब्रांड की लेती इतनी महंगी लेती, और कोई मतलब वो नहीं होता है, अगर आपको कपड़े पहनने होते हैं, लड़कियों का क्या होता है ना, उनको चेंज कर करके पहनना होता है, तो मेरा मानना तो यही है कि सस्ते में जाओ, एक बार दो बार पहनो, फेंको, फिर दूसरा लो, मतलब 100 रुपये का बहुत ठीक है, वर्थ इट है। तो यहाँ ये 100 रुपये की शर्ट थी, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी प्यारी शर्ट थी, और कोई भी डिफेक्ट नहीं था, मैंने सारे चेक किया था। तो सस्ते में जाओ यार, पहनो चेंज करो, मेरा मानना तो यही है। उसके बाद 200 रुपये में आपको नाइट सूट मिलते हैं, अगर आपको शॉर्ट्स में लेना है तो आप शॉर्ट्स में ले सकते हो, लॉन्ग लोअर भी लेना है तो लॉन्ग लोअर में ले सकते हो, कंप्लीट सेट आपको नाइट सूट मिल जाएगा 200 रुपये में। बार्गेनिंग कराना चाहो तो आप आराम से करा सकते हो, यहाँ आप ये लड़कियों को देख रहे हो ना, ये लड़कियाँ बार्गेनिंग करा रही थी, और 150-150 रुपये में ये कंप्लीट सूट लेके जा रही थी, इससे भी ज़्यादा लोग कम करवाते हैं पता है, मैंने देखा है, लेकिन मैं नहीं करा पाती हूँ, लेकिन अब मुझे सीखना चाहिए मुझे लगता है। यहाँ पर एयरिंग्स आपको मिल रही है 30 रुपीज़ में, यहाँ कुछ कुछ 20 रुपीज़ की भी थी, रेट इन्होंने लगाए नहीं थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर आपको कुछ हेयर बैंड, लिपस्टिक, नेल पेंट, मतलब एवरीथिंग आपको इस शॉप पे मिल जाएगा। बाहर अगर आप बाहर से लेना चाहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर सस्ता मिलेगा, अंदर थोड़ा सा महंगा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्यारी प्यारी रिंग्स मिलती हैं, छल्ले टाइप की रिंग्स मिलती हैं, जैसे कि कछुआ वाली, जैसी भी आपको रिंग्स चाहिए होती है आप जूम करके देख लेना, ये सारी 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40, 50 इस तरह के रेट है। 10 रुपीज़ की भी थी यहाँ पर, यहाँ पे नोज पिन भी मिल जाएगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करना। उसके बाद एक शॉप है यहाँ पर बाय अर्बल सेंस, तो यहाँ आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रही हूँ क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ इस वजह से। यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रेश पीस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फुल ड्रेस चाहिए, पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए, यहाँ आपको सब कुछ ऑल ओवर फ्रेश मिलेगा। ये एक ब्रांड है तो आप यहाँ से लेना चाहो तो ले सकते हो, थोड़ा सा प्राइस हाई होगा, इतना ज़्यादा नहीं कि जैसे कि आप मॉल में जाते हो वैसा प्राइस होता है, वैसा प्राइस नहीं होगा, ठीक होगा,
और आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आप बार्गेनिंग करना चाहो तो अंदर जाके आप रेट कम करा सकते हो। मेरे ख्याल से कम होता है यहाँ पे, क्योंकि एक बार मैं पहले बहुत टाइम पहले गई थी, बट यहाँ पे आपको एवरीथिंग सब कुछ आपको फ्रेश फ्रेश मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो ये जैकेट्स हैं, अगर आपको विंटर में वेयर करना है तो विंटर में कर सकते हो, लेकिन जैकेट्स थोड़ी समरी टाइप की थी, आप समर में भी वेयर कर सकते हो, थोड़ा सा विंटर में वेयर कर सकते हो। अंदर से सर्दी में वेयर करते हो तो अंदर से कुछ मोटा पहनना होगा, गर्मी में वेयर करते हो तो कुछ हल्का सा पहनना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रिंटेड स्कर्ट मिलती हैं और आपको मतलब इस टाइप की जो स्कर्ट होती है, क्या बोलते हैं उनको, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप सामने ही देख सकते हो, ये थी 100 रुपये की 150 रुपये की 250 रुपये की। उसके बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, हम निकल गए वहाँ से और बहुत भूख लगी थी क्योंकि दिन भर कुछ खाया नहीं था, और यही थी हमारी आज की शॉपिंग। फाइनली हम घर जा रहे हैं। अगर तूने नहीं लिया था ना, कुछ नहीं, अभी अपनी दो बैग भी लिया है ऐसा नहीं है, इसको कहाँ छोड़ आएगी। ठीक है गाइस, अब हम थक चुके हैं और हमको बहुत सारे चल के नहीं, हम किस किस के आए, मुझे बाय 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 ब